हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। नए ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी रेशियो स्प्रिट के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। लाइव में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रेशियो स्प्रिट किस तरीके से बनाते हैं, रेशियो स्प्रिट में कैसे प्रॉफिट आता है, कैसे लॉस आता है। तो कंप्लीट एनालिसिस और इसके ऊपर अभी हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी ज्वाइन हो जाइए फटाफट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ फ्रेंड ज्वाइन हो गए हैं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट इंतजार कर लेता हूं ताकि और लोग भी साथ में ज्वाइन हो जाएं, फिर हम लोग लाइव में सबसे डिस्कस करेंगे। जिन लोग इस वीडियो को अपलोड होने के बाद देखेंगे या कुछ दिनों बाद देखेंगे, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को रिपीट करके स्टार्टिंग से देखिएगा और इसे 1 2 3 बार देखिएगा ताकि समझ में इजी आपको आ जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन हो गए हैं काफी लोग इधर हमारे। स्टॉक ट्रेडर सर गुड इवनिंग, अभिराज सर नमस्ते, अक्षय जी नमस्ते, प्रमोद जी गुड इवनिंग, नितिन जी गुड इवनिंग, आनंद जी नमस्कार, विशाल टेक नमस्ते, अनुप पटेल, अनुप पॉल जी नमस्ते, डीपी राजवाड़े जी नमस्ते, जीवन जी नमस्ते। नमस्कार सर, काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। तो रेशियो स्प्रिट हम लोग एवरीडे इसमें पोजिशन बनाते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है स्ट्रेटजी। तो जब किसी स्ट्रेटजी में बिलीव हो जाता है, हमें भरोसा हो जाता है, फिर उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करके कंटिन्यू उस पर ट्रेड करते हैं। और जब तक मैं उसमें ट्रेड करता नहीं हूँ, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ। अभी आप लोग 1 महीना 2 महीना से लगातार मेरे टेलीग्राम चैनल को वॉच करते होंगे। अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज्वाइन हो जाइएगा क्लिक करके। मैं एवरीडे आप लोगों को वहां पे रेशियो स्प्रिट का ओवरनाइट ट्रेड देता हूँ। इजी ट्रेड है और अगर आप एक बार समझ गए तो आपको बहुत मजा आएगा। 1% 1.5% आपके कैपिटल का इजी प्रॉफिट मिलता है एवरीडे। हाँ, कभी कभी मार्केट गेप अप गेप डाउन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें थोड़ा लॉस भी मिलता है जैसे आज हुआ था, लेकिन वो लॉस भी वो बियरेबल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, जिस दिन मार्केट मान लो 1000 2000 पॉइंट गिर गया, ठीक है, या गेप अप हो गया, गेप अप होने की तो चांस कम रहता है लेकिन गिरने की चांस इसकी बने रहती है, तो ऐसे कंडीशन में तो लॉस पूरा दुनिया करेगा। ओके, तो उस दिन तो हमें भी लॉस होगा और सबको लॉस होगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो स्प्रिट के ऊपर। पहली बात करते हैं, मैंने यहाँ पर स्लाइड बना के रखा है 3 स्लाइड, पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। ओके, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इधर वीडियो ऑन कर लेता हूं। काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। हाँ, मेरे असिस्टेंट मुझसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल में हमारे जितने ग्रुप हैं सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। हमारे पर्सनल ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, वहां भी आप प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नंबर 1 रेशियो स्प्रिट क्या है, इसका एक छोटा सा लॉजिक आपको मैं बता देता हूं। इधर आप स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। रेशियो स्प्रिट में एक ट्रेडर क्या करता है, इक्वल नंबर में कॉल एंड पुट, ठीक है, पहले बाई करता है, ठीक है, पहले बाई करता है और फिर सामने में सेल करता है। मींस कॉल एंड पुट बाई करके शॉर्ट किया जाता है इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। जितना क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं, अगर आप एक कॉल बाई कर रहे हैं तो सामने में एक पुट बाई करना है और उसके सामने में अगर रेशियो बनाना है, इसका नाम ही रेशियो है, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, मार्केट देख के मार्केट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड बनाना है। कभी कभी हम लोग 1:3 बनाते हैं लेकिन ज्यादातर टाइम हम लोग 1:5 बनाते हैं, मतलब एक कॉल बाई करके। अभी मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा सेंसिबल में ले जाके, डोंट वरी। ओके, आप वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आपको बहुत इजी आएगा, राइट। तो आप ये समझिए कि अगर आपने एक कॉल बाई किया है तो सामने में ही 3 कॉल सेल करना है। अगर आपने एक पुट बाई किया है तो सामने में 3 पुट आपको सेल करना है। तो अगर आप एक कॉल बाई किए हैं तो 3 कॉल सेल करना है, एक पुट बाइंग किए हैं तो 3 पुट आपको सेल करना है। अब उस 3 को आप 1:4 कर सकते हैं, 1:5 कर सकते हैं, 1:6 कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं। देखिए
इसमें इनिशियल रिक्वायर्ड कैपिटल है वो है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख। ध्यान रखें कि हम इस कैपिटल को कम भी कर सकते हैं अगर हम उसे एडजस्टमेंट करना चाहें तो, या उसके सामने में अगर हम कोई दूर का ओटीएम, डीप ओटीएम कॉल और पुट बाई कर लेते हैं तब, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए में भी ये पोजीशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कॉल बाइंग करें तो ध्यान रखें 1-2 रुपए का ही कॉल बाई करना है, सिर्फ मार्जिन इंक्रीज, सॉरी मार्जिन डिक्रीज करने के लिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको एक पोजीशन बनाना है, कैसे बनाना है और कितना बजे बनाना है। पहले आपको एक बास्केट बना लेना है, जैसे जीरोधा में अगर आप ट्रेड करते होंगे तो जीरोधा में बास्केट बनाने के बहुत इजी इंस्ट्रूमेंट है। अगर जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लिंक से अकाउंट ओपन करके, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके जीरोधा में ये ट्रेड कर सकते हैं। इजी ट्रेड है और सिंपल ट्रेड है और काफी यूजर फ्रेंडली भी है इसका इंटरफेस। ओके, तो वहां से भी आप अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। आप जिसे भी ब्रोकर में करते होंगे तो वहां पर बास्केट आर्डर होगा तो ट्रेड करना इजी हो जाता है। ओके, और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे साथ आप 1 महीना लाइव ट्रेड भी करेंगे, ट्रेड सीखेंगे भी, और अगर आपको डर लगता है तो आप मेरे ही अकाउंट में ट्रेड भी कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, एक बास्केट बना लेना है, ठीक है। इस ऑर्डर को देखिए, ये ओवरनाइट ट्रेड है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास कम टाइम है, ठीक है, जिन लोग जॉब वाले हैं ऑलरेडी। आपको अगर 5 लाख 6 लाख रुपया लगा लिए तो मुझे लगता है आपको जॉब से तो ज्यादा यहाँ रिटर्न मिल जाएगा। एवरी मंथ जितना आप जॉब में कमाते होंगे उससे कहीं ज्यादा आप यहाँ रिटर्न कमा सकते हैं आफ्टर प्रैक्टिस। देखिए मार्केट में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, तो प्रैक्टिस, इसके बाद आपको प्रॉफिट, राइट। देखिए तो आपको पोजीशन कब बनाना है, पहले बास्केट बना लेना है 3 बजे से पहले, और 3 बजे से लेकर 3:15 के आसपास ही पोजीशन बनाना है, ताकि मार्केट अपना एक ट्रेंड कंप्लीट कर चुका हो, या अपसाइड जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, मतलब मार्केट में अब और बड़ा मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ना हो, उस समय हमें पोजीशन बनाते हैं। और कब करते हैं, एवरी डे करते हैं, एवरी ट्रेडिंग सेशन को करते हैं, मतलब एवरी ट्रेडिंग सेशन में पोजीशन आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखिए, आप शाम को 5 मिनट चाहिए पोजीशन बनाने में, ठीक है, अगर आप जॉब वाले तो देखिए कितना इजी ट्रेडिंग बता रहा हूं आप लोगों को। ओके, और आप रेगुलर ट्रेडर हैं तब भी आपके लिए है, क्योंकि पैसा कमाना है। अल्टीमेट जो स्टॉक मार्केट में आया है उसका मोटिव क्या है, भाई पैसा कमाना है अपने। ओके, तो अगर आप एक पोजिशन बनाते हैं इवनिंग में, एक बार पोजिशन बना दिए 5 मिनट 10 मिनट टाइम लेके, और फिर शाम को एक पोजिशन बना दो यहां पर, सॉरी मॉर्निंग में एक पोजीशन आप एग्जिट कर लो, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अगर मार्केट आपके रेंज में रहता है तो इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। कब, 9:15 से लेके जब मार्केट ओपन हो जाए, थोड़ा देर सेटल होने दो 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन 9:30 से पहले पहले आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद अगर मार्केट आपके रेंज में रहता है तो पोजिशन को आप थोड़ा देर होल्ड भी कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से पोजिशन अगर आपके रेंज में चल रहा है तो थोड़ा और भी देर तक वेट कर सकते हो। अगर मार्केट आपके रेंज में रहा तो प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट लगता है आपको कि ऊपर नीचे हो रहा है, आपका टारगेट पूरा हो गया है, लगता है कि हाँ मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग करो, तमाशा बंद करो, खत्म, ठीक है। तो सुबह सुबह का 10-15 मिनट और इवनिंग का 10-15 मिनट, मतलब आधा घंटा में ट्रेडिंग खत्म। तो जिन लोगों को ये लगता है कि मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग या इतना मुश्किल है, या शेयर बाजार इतना मुश्किल है जिसमें दिन भर बैठेंगे तो पैसा बनेगा, बिल्कुल गलत बात है। ट्रेडिंग का अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करिए, पैसा आपको शेयर बाजार में 100% मिलेगा, राइट। देखिए अगर आप एक पेयर बनाते हैं, अगर आप 5 लाख रुपए लगा के एक बास्केट बनाते हैं, तो पर बास्केट आपको मॉर्निंग में 3,000 से 5,000 तक का ये पैसा, मतलब प्रॉफिट आपको मिल जाता है, ठीक है। जिस दिन प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है, मान लो कुछ इवेंट रहता है उस दिन प्रीमियम बहुत ज्यादा रहता है, तो हो सकता है उस समय आपको ये प्रॉफिट का साइज बढ़ जाए, या कभी कभी इवेंट सडनली कुछ इवेंट आ जाता है तो प्रॉफिट का साइज कम भी हो जाता है आई भी बढ़ने के कारण, ठीक है। बट नॉर्मल मार्केट में आपको 3,000 से 5,000 का प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, मैक्सिमम लॉस भी इसी तरीके का है, 3,000 से 5,000। आप लोगों ने आज देखा होगा मार्केट गैप डाउन भी हुआ, तो हमें एक पीयर में 1:4 में लगभग 4,500 5,000 का लॉस हुआ, हम लोग ने पोजिशन क्लोज किया जब मार्केट 600 700 पॉइंट नीचे आ गया तब। अदरवाइज 3,000 3,500 4,000 के ही पोजीशन में हम लोग खड़े थे, ठीक है। मार्केट 200 300 150 100 400 इस रेंज में रहेगा तो आपको लॉस होगा नहीं,
500 के बाद आपको लॉस होता है। तो इसे कई तरीके से बनाते हैं, आप 1000 पॉइंट तक का भी रेशियो स्पीड में सेफ हो सकते हैं, उसे बनाने का अलग तरीका है। अब इसमें देखिए दो तरीके से ये रेशियो स्पीड बनता है, एक तो एटीएम को शॉर्ट करके या बाइंग करके पोजीशन बनाया जाता है, जैसे एटीएम कॉल पुट बोथ अपन बाई करते हैं, ठीक है, सामने में ओटीएम कॉल पुट सेल करते हैं बोथ, ठीक है। अगर हमने एटीएम कॉल पुट एक एक बाई किया है और रेशियो बनाना है 4 का, तो ओटीएम कॉल पुट 4 4 सेल करेंगे। इसी तरीके से देखिए इसमें आपका सेफ्टी जो रहेगा, देखिए यहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा होगा लेकिन सेफ्टी थोड़ा कम होगा, ठीक है। मतलब यहां जहां आपका प्रॉफिट ज्यादा है, माफ कीजिएगा, जहां आपका प्रॉफिट ज्यादा है वहां रिस्क भी है, ओके ध्यान रखिए। अब यहां नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओटीएम कॉल पुट बाई और डीप ओटीएम कॉल पुट सेल, तो यहां पर क्या होगा कि सेफ्टी थोड़ा आपको और ज्यादा मिलेगा। देखिए यहां पर सेफ्टी थोड़ा कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है, यहां पर सेफ्टी थोड़ा ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम है। अभी हम लोग चलते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे आप ये पोजीशन को एवरीडे बना के जा सकते हैं, ओके। अगर यहां तक वीडियो समझ में आ गया है तो वेरी गुड, नहीं आया है तो आप एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। जिन लोग इस वीडियो को अभी लाइव में नहीं देख रहे और बाद में देखेंगे उन लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिन लोग अभी लाइव में भी हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो वीडियो को एक बार रिपीट करके पुनः देख लीजिएगा, ओके। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं सेंसिबल में कि पोजीशन आप बनाएंगे कैसे, राइट। देखिए अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सेंसिबल के चार्ट में, ओके। सेंसिबल, एक मिनट टाइम दीजिएगा, ये है सेंसिबल हमारा, और मुझे लगता है कि आपको स्क्रीन बराबर दिख रहा होगा, और हाँ स्क्रीन बराबर दिख रहा है। तो अभी आप देखिए, मुझे लगता है फोटो में डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है फोटो को इधर सेट करना पड़ेगा, एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, ओके। चलिए ये मैंने अपना वीडियो को इधर सेट कर लिया है, राइट। चलो हाँ, तो अभी देखिए अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, हाँ हम बात कर रहे हैं इवनिंग में 7:30 बजे 8 बजे के आसपास, ठीक है। तो जब ये मार्केट देखिए इंट्राडे में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ओवरनाइट में ही ये ज्यादा सक्सेसफुल है, राइट। ओवरनाइट में इसकी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, 70 to 80% इसका सक्सेस रेशियो है अगर आप इसे एवरी डे बनाते हैं तब, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। अब मान लो कि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और अभी बच गया है 3, कितना बचा है 3, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेंसिबल, आप सेंसिबल ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, और मैं सेंसिबल में ही करता हूँ, तो इसलिए मैं सेंसिबल में आपको बताता हूँ, आप ऑप्शनों में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, ओके। देखिए तो अभी मैं आपको इसमें लेके चलूंगा, सपोज करो मार्केट का क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, ये देखो ये मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है, ये स्पॉट प्राइस है 38,500, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरा कर्सर 38,500। तो अभी हम लेके चलेंगे आपको 38,500 का, अभी रेशियो स्प्लिट का मैं लॉजिक नंबर वन बताता हूं, ठीक है। यहां पर कैपिटल कितना लगेगा, राइट, कैसे कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो, ये सब हम लोग यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ओके। तो अभी आपने देखा यहाँ पर 38,500, देखिए आज फ्राइडे है तो अभी प्रीमियम ज्यादा है, मतलब मंडे को प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा, ओके। तो एवरीडे ऐसा नहीं रहेगा, बट फ्राइडे के दिन पोजिशन बनाने से मंडे के दिन प्रॉफिट का साइज ज्यादा रहता है, ओके, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर हमें हेज भी ज्यादा मिलता है, मतलब ज्यादा देर तक, मतलब ज्यादा दूर तक हमें सेफ्टी मिल जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए, 359, आप यहाँ पर ध्यान रखो 359 एंड 430, इस प्रीमियम को हमने किया बाई, राइट। तो ये बाई आपको इसका कैपिटल लगेगा। अब यहां से आप 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, आप 600 पॉइंट भी जा सकते हैं ऊपर और 600 पॉइंट भी नीचे जा सकते हैं। देखिए अभी मैं यहां पर पहले 500 में लेके चलता हूं आपको, फिर बताता हूं। देखो यहां से 500 पॉइंट नीचे और यहां से 500 पॉइंट ऊपर, अभी आपको दिख रहा होगा यहां पर सर दोनों का प्रीमियम में डिफरेंट है, तो मार्केट क्या हुआ, अभी क्लोजिंग होते होते मार्केट नीचे गिरा है, ओके।
लेकिन एडजस्टमेंट प्राइस आपको पता होता है, लास्ट क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे आया है, इसलिए प्रीमियम में डिफरेंट दिख रहा होगा, मॉर्निंग में सेटल हो जाएगा। ओके, तो डोंट वरी, चिंता मत करिए। अभी मैंने क्या किया, एक एक लॉट शॉर्ट किया है, तो आप ध्यान रखें, इधर आपने जो बाई किया है, ये प्रीमियम आपने बाई किया है, लगभग ये आपका 400, 430, लगभग 460, 800, 860 पॉइंट, 860 पॉइंट आपका बाई होगा। तो हमें सेल कितना करना है, 860 पॉइंट से ज्यादा प्रीमियम अपने को सेल करना है। ओके, तो अभी मैंने इधर सेल किया कितना, 232। बहुत बार क्वेश्चन आता है मेरे साथ, लाइव में लड़के ज्वाइन करते हैं तो उन लोग बोलते हैं, सर क्या मैं 1:2 बना सकता हूं? देखिए, 1:2 बनाएंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। अभी मैं इधर दो दो सेल कर रहा हूं अभी, ठीक है? ये अभी रेशियो क्या हुआ, 1:2 का रेशियो हुआ। आपको मंडे के दिन यहां पर प्रॉफिट दिखा रहा होगा, देखो यहां पर आपको दिखेगा मंडे के दिन प्रॉफिट, ये मंडे के दिन तो प्रॉफिट हो सकता है, यहां पर कैपिटल 2 लाख रुपए लगेगा। मंडे के दिन अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो 3,000 का प्रॉफिट तो आपको मिल जाएगा, और कब, मॉर्निंग में मिल जाएगा। ध्यान रखो, देखो मॉर्निंग में ये टाइमिंग मैंने सेट कर दिया, ठीक है, ये 3,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, थोड़ा आईबी भी इंक्रीज होगा, तो ये 3,000 प्रॉफिट नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा प्रॉफिट। तो रेशियो बनाओ कम से कम आप 1:3 के ऊपर, मिनिमम 1:3 के ऊपर। देखिए, तो अभी मैं कर दे रहा हूं इधर 1:3, मतलब एक एक कॉल मैंने बाई किया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और तीन तीन कॉल मैंने सेल किया, ठीक है? तीन कॉल सेल किया, एक कॉल बाई किया, एक पुट बाई किया इधर, और तीन पुट सेल किया। तो अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मॉर्निंग में मुझे 8,000 प्रॉफिट मिल सकता है। आपको यहां पर मेरे कर्सर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? जिनको विजिबिलिटी कम होगा, अपने जो डेटा है उसे आप फुल एचडी में कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब वीडियो क्वालिटी को फुल एचडी में कर लीजिएगा। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 62%। मतलब जब इसे अगर 100 बार ट्रेड करें तो 62 टाइम आप इसमें प्रॉफिट रह सकते हैं, ठीक है? रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, 3,55,000, लेकिन जो मार्जिन नीडेड होगा, ठीक है, जो यूज होगा वो 3,20,000 होगा। तो अगर 3,55,000 आपके डीमेट में कैपिटल है तो ये पोजिशन को आप बना सकते हैं। अब इसे आप कम भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, ध्यान दीजिए, तो अगर ये प्रॉफिट हम लोग 3 बजे बना के गए हैं, मतलब ये प्रीमियम हमें मिला है, तो नेक्स्ट मंडे को मुझे प्रॉफिट 8,000 मिल सकता है। ये मंडे मॉर्निंग के लिए होगा, मतलब सॉरी, सैटरडे और संडे छुट्टी है, इसलिए मंडे को मार्केट ओपन होगा। ओके, तो छुट्टी रहता है तो उसके नेक्स्ट डे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जिस दिन आप मंडे को पोजिशन बनाएंगे तो ट्यूजडे के दिन ये प्रॉफिट नहीं रहेगा, ये प्रॉफिट आपको 4,000-5,000 ही शो करेगा। ओके, अब देखिए इतना प्रॉफिट आएगा नहीं, इधर क्या होगा, आपको पता होगा जिन लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं कि मॉर्निंग में प्रीमियम हाई होता है, मतलब आईबी बढ़ता है, तो इसे मैं कम से कम 5-5 पॉइंट आईबी हाई करता हूं, फिर यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट दिखेगा, इतना प्रॉफिट नहीं आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट दिखेगा। देखो, तो 20 से मैं इसे 25 कर देता हूं, तीनों को, तीनों प्रीमियम को मैं 25 कर देता हूं, ये देखो, तो ये प्रॉफिट क्या दिखेगा मॉर्निंग में मुझे, ये 2,000 से 2,600 से 3,000 के बीच में दिखेगा। ये मैं अभी अपने से हाई किया हूं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इतना आईबी नहीं भी रहेगा, और आईबी जैसे बढ़ता है इसलिए मैंने वहां पर आपको 15-20 मिनट का टाइम दिया कि मतलब 9:15 से 9:30 के बीच में क्लोज करो, तो मॉर्निंग में आईबी हाई होता है, इसके बाद धीरे 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 करके सेटल डाउन होता है, ठीक है? तो आईबी जैसे डिक्रीज होगा, जैसे यहाँ पर आईबी अगर 24 आ गया, जैसे दोनों में 24 आ गया, तो प्रॉफिट आपका 3,800 इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर 1:3 बनाते हो, 1:3 बनाते हो, तो क्या होगा, प्रॉफिट 3,000 तक आपको इजी मिल जाएगा, मतलब आपका 1% प्रॉफिट इजी मिल जाएगा मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होने के बाद। फिर टर्मिनल बंद करो, अगले दिन का फिर इंतजार करो। तो रेशियो स्पीड में अभी ये हुआ 1:3 में। आई होप यहां तक आप लोगों ने समझ गए होंगे, ठीक है? अभी एक्स्ट्रा कमेंट मत कीजिएगा, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ आप यहां समझिए। ओके, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं 1:4। अच्छा, अभी 1:4 में ले जाने से पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर मॉर्निंग में मार्केट 200, 300, 400, देखो मैं आपको यहां लेके चलता हूं, 38,500 है, मैं आपको इसका गेप अप ओपन कराता हूं 200 पॉइंट ऊपर 700, तो प्रॉफिट में कोई चेंजेस आया? देखो कोई प्रॉफिट में चेंजेस आया? जी, 400-500 कम हो गया, लेकिन आप सेफ हो, जब बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर खुला तो एज्यूम करो कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुल गया। अब मैं 200 पॉइंट और ऊपर लेके चलता हूं,
ठीक है। अब आप देखते होंगे कि मार्केट एवरीडे गैप अप नहीं होता, वही 100-150 पॉइंट नॉर्मल गैप अप ओपन होता है, लेकिन महीना में एक आध दिन ऐसा आता है कि 500-600 पॉइंट गैप डाउन गैप अप हो जाता है, राइट। और 3 महीना 4 महीने में ऐसा भी दिन आता है कि 800-900 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है। साल में एक दो दिन ऐसा आता है कि मार्केट 1000-1200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो उस दिन तो लॉस होगा। कितना होगा मैं अभी यहां पर समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, तो मैं पहले लेके चलता हूं। देखिए 200 में गैप अप ओपन होता है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, जबकि मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। ओके, अगर मैं इसको 400 पॉइंट गैप अप कर देता हूं तो मैं कितना प्रॉफिट में रहूंगा? तब भी मैं लॉस में नहीं हूं फ्रेंड्स, अभी भी मैं प्रॉफिट में हूं। कितना सिंपल स्टडी बना, 400 पॉइंट गैप अप बैंक निफ्टी हो जाता है। तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और बता दूं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी 62% है। ये तो आप देख रहे हैं, ये कब है? जब हम 1:3 में रखें, तो 1:4 में रखेंगे तो क्या होगा, अभी देखेंगे। ओके, अच्छा देखिए, आपको यहां पर 400 पॉइंट गैप अप होने में भी लॉस नहीं है, ठीक है, लॉस नहीं है। तो मैं थोड़ा सा और गैप अप ओपन करता हूं, मतलब मैं करता हूं 600 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो मैं इसमें जाके 1600 रुपये लॉस में हूं। तो अगर आपको 3000-3500 प्रॉफिट एज्यूम कर सकते हो, तो 1600 रुपया लॉस अगर आप एज्यूम नहीं करते तो पोजिशन मत बनाइएगा। और मैं यही मान के चलता हूं कि मार्केट की जो जो साइडवेज वाला ट्रेड रहता है, ठीक है, वो 60% होता है, ठीक है। नॉर्मल गैप अप गैप डाउन होता है वो 20% होता है, और जो बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है वो ओवरऑल ट्रेडिंग का वो 20% होता है। तो 60% टाइम तो आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, लेकिन अगर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, 500-600 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो गया, तो जो लॉस हो रहा है वो लॉस बहुत छोटा हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो मार्केट में दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। हो सकता है कि बैड लक हो जाए, जिस दिन आप स्टार्ट करो उसी दिन लॉस हो जाए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग में। इसे मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूं कि अभी तक जैसे फरवरी और जनवरी का जो सीजन चला हमारा लास्ट, ठीक है, अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं 11 फरवरी को बात कर रहा हूं, अभी तक रेशियो स्प्रीड में आज मिला के मैंने 2 दिन लॉस किया है। टोटल ट्रेडिंग डे 28 मैंने किया है, इस पे टोटल लॉस किया है मैंने 2 दिन, टोटल लॉस किया है मैंने 2 दिन। और अभी मैं 5 लाख 6 लाख रुपए कैपिटल यूज कर रहा हूं, जिससे मैं 1.20 थाउजेंड आसपास मैंने कमाया है, मतलब 1,20,000 पैसा मैंने अभी इसमें ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूं, 1,20,000। ओके, आज का लॉस लेने के बाद भी, ठीक है, पिछले महीना का भी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर किया था, ये महीना खत्म होगा तो भी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो इतना अच्छा प्रॉफिट है, आरओआई बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे कमिटमेंट किसी को नहीं किया जा सकता। मैं इसे किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं इतना आपको करवा दूंगा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि फ्रेंड्स बिलीव करो, भरोसा करो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर और ट्रेड करो, क्योंकि भरोसा से ही प्रॉफिट बनता है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मेरे साथ लोग लाइव में ट्रेड करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो मैं उनको अपने डीमैट में बोलता हूँ ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस लाओ और सुबह सुबह प्रॉफिट बुक करो, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई होप ये पॉइंट आप समझते होंगे, ठीक है। काफी लोग ज्वाइन है, कम से कम लाइक बटन आप जरूर दबा दीजिएगा। ओके, 310-311 लोग ज्वाइन है, मुझे लगता है अभी तक का हाइएस्ट ज्वाइनिंग है YouTube लाइव में, तो आप कृपया करके लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ओके, चलिए, तो ये हुआ गैप अप अगर ओपन होता है तब। मैं आपको इसमें नॉर्मल रेंज में लेके चलता हूं, ठीक है। तो अगर अपर साइड में 500 पॉइंट तक मुझे कोई लॉस नहीं है, 600 पॉइंट में मैं 1600 रुपये लॉस में हूं। तो सेम टाइप का इसी तरीके से गैप डाउन ओपन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 200 पॉइंट, ठीक है। अब 200 पॉइंट और मतलब 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर ये 600 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो मुझे 2200 रुपये लॉस होगा, कब? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को जब मार्केट ओपन होगा तब। समझ गए यहां तक? मुझे लगता है यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मंडे के बाद भी नहीं करना है, ओके, आपको इवनिंग में बनाना है और मॉर्निंग में क्लोज कर देना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या बनाया, इस पे क्या समझना है आपको कि अगर हम लोगों ने तीन पेयर बनाया तो क्या हुआ कि हमें रेंज थोड़ा क्या मिला, ज्यादा मिला। अब जैसे कई लोग होते हैं मेरे साथ लाइव में होते हैं, आप लोग भी करोगे लाइव ज्वाइन होगे तो, ठीक है, कभी। अब मैं इसका रेंज कर देता हूं 4-4, तो क्या होगा, मॉर्निंग में प्रॉफिट का साइज कितना हो गया? देखिए कैपिटल कितना लगा इधर, 5 लाख, प्रॉफिट
प्रॉफिट का साइज क्या दिखा रहा है, 5,000। 1% प्रॉफिट मिले तो मैं बोलता हूं सुबह तौबा करो, खत्म करो, ठीक है, आगे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। देखिए बाकी सारा चीज सेम रखा हुआ है यहां पर, ओके। आईबी कम रहेगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, आप प्रॉफिट एज्यूम कम करो हमेशा, ज्यादा मिल जाएगा वेल एंड गुड, भगवान का प्रसाद लेके, एनएससी मैया का प्रसाद लेके रख लेंगे, जय हो करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पर आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो अगर मार्केट यहां पर 400 पॉइंट गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, 600 पॉइंट तक, देखो 600 पॉइंट तक मैं लॉस कितना हूं, अभी लॉस में 2500 हूं, 600 पॉइंट गैप अप ओपन होगा तो। लेकिन मैं मान लो 500 पॉइंट गैप अप करता हूं, यहां पर मार्केट हमारा 39,000 में ही जाके ओपन होता है, 500 पॉइंट ऊपर, राइट, तब मैं यहां पर माइनर लॉस में हो, कितना, 6 रुपए लॉस दिखा रहा है, हालांकि 6 रुपए नहीं रहेगा, इससे ज्यादा तो हमें ब्रोकरेज ब्रोकरेज दे देना पड़ेगा, लेकिन ये तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे सीधा मैं कर देता हूं, ठीक है, मतलब 38,000 कर देता हूं, कि नेक्स्ट मंडे को अगर ओपन होता है तो मैं कितना लॉस में हूँ, लगभग 2,000। पुट के साइड थोड़ा सा रेंज कम मिल रहा है, क्योंकि जो प्रीमियम है, प्रीमियम थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है, ऊपर में कॉल में कवर मुझे कम दिखा रहा है, इसलिए ऐसा है, अदरवाइज ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने यहां तक समझ गए होंगे, तो मैं क्या करता हूं कभी कभी, अगर मार्केट मेरे रेंज पे है, राइट, अगर मार्केट मेरे रेंज पे है तो मैं जो साइज होता होगा, आप लोग देखते होंगे मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप ज्वाइन हो गए तो, मैं कभी कभी 1:4 के जगह 1:5 कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे जब मेरा कॉन्फिडेंस आता है ना कि मार्केट मेरे रेंज पे रहेगा, तो थोड़ा ज्यादा बनाओ ना, ठीक है, ये मेरा अपना लॉजिक है, आप अपना लॉजिक रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पोजिशन आप बना सकते हो, जब मार्केट शॉर्ट रेंज में दिखे, मतलब किसी रेंज के अंदर फंसे हुए दिखे, ओके, तब आप वहां पर जो रेशियो है उस रेशियो को 1:4 के जगह 1:5 भी कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा, राइट। चलिए अब देखो मैं अगर 1:5 करता हूं तो क्या होगा, ये लॉजिक आप समझ गए होंगे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं ज्यादा प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूं, ओके। तो यहां पर देखो मैं रेंज बढ़ा दिया तो भी मेरा लॉस क्या बढ़ा, कुछ खास नहीं बढ़ा, 2,500। लेकिन अगर मान लो मार्केट फ्लैट रहता है तो कितना मिलेगा, लगभग लगभग 1% से ऊपर, राइट। तो 1% 1.25% के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब अगर 3 लाख पैसा लगाए तो 3,000, 4 लाख पैसा लगाए तो 4,000, 5 लाख पैसा लगाए तो 5,000, आपको एवरी डे प्रॉफिट मिल सकता है। तो मुझे लगता है इनफ है ऑप्शन सेलिंग में इतना प्रॉफिट, 1% प्रॉफिट जोड़ोगे फ्रेंड्स तो मुझे लगता है साल में पैसा डबल हो जाता है, राइट। अब आप बोलोगे कि सर इसे आप इतना ही अच्छा कमाते जब जानते हो तो आप ही क्यों नहीं करते, हमें क्यों बता रहे हो, मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे भी सवाल करने वाले होते हैं, तो उनकी चिंता छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं अगर आपको बिलीव होता है तो इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन सेलिंग का रेशियो स्प्रिट का नंबर 1 स्ट्रेटजी। अभी देखिए ये करने से मुझे बढ़ाने से मतलब लॉट बढ़ाने में प्रोबेबिलिटी कम नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है। तो इसमें अगर आपको मार्जिन कम करना है तो क्या करो, डीप आउट द मनी जाके, कोई डीप आउट द मनी जाके 5 रुपया 6 रुपया वाला इधर कॉल बाई कर सकते हो। जैसे मैंने 5 सेल किया तो डीप आउट द मनी जाके 4-5 रुपया वाला प्रीमियम को आप इधर बाई कर सकते हो, ठीक है ऐसा। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आपका देखो यहाँ थोड़ा कैपिटल कम हो गया हमारा, ठीक है, रिक्वायर्ड जो इतना तो कैपिटल डीमेट में रखना पड़ेगा 5 लाख, ओके। और यहां पर क्या करना पड़ेगा, सॉरी मतलब यूज जो कैपिटल होगा यूज कम हो जाएगा। तो इधर का जो लेग दिख रहा है, इधर का लेग को मत देखिए, इधर का लेग को अवॉइड कर दीजिए, ओके। आप जो प्रीमियम बाई करते हो, वो जो प्रीमियम बाई करो एक्चुअली जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट चले जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप प्रीमियम मार्जिन कम करने के लिए ऊपर का प्रीमियम अगर ना बाई करो तो भी कोई बात नहीं, छोटा कमाओ, जितना कैपिटल है उतना ही कमाओ, भले 1:3 में बना के जाओ, ज्यादा करने के लिए या ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए, ठीक है, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम मत बाई करो। मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर कोई इसे करना चाहते हैं तो कम कैपिटल भी करके इसे बनाया जा सकता है, तो थोड़ा मार्जिन अपने को मार्जिन का बेनिफिट अपने को मिल जाता है। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन सेलिंग का रेशियो स्प्रेड का पहला लॉजिक, कि एटीएम कॉल बाई करके ओटीएम कॉल पुट सेल करने का है। अब मैं आपको इसका लॉजिक नंबर 2 में चलता हूं, कि आप ओटीएम बाई करके डीप ओटीएम कॉल पुट सेल करो तो इसकी लॉजिक क्या होगा। ये पेआप ग्राफ आपको और भी अच्छा दिखेगा। देखो जिन लोग ऑप्शन वगैरह यूज करते हैं, मैं चाहूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा,
अगर आप बैक टेस्ट करने में सक्षम है तो मुझे लगता है बैक टेस्ट कर लीजिएगा आप लोग, आपको कॉन्फिडेंस और ज्यादा होगा, बढ़ेगा आपका, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे। देखिए तो मैं ओटीएम की तरफ जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक मेरा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मतलब जिसका प्रीमियम 100 है, जिसका प्रीमियम 100 के आसपास है, ठीक है, जिसका प्रीमियम 100 के आसपास है उसे मैं करता हूं बाई, ठीक है, जिसका प्रीमियम 100 के आसपास है उसे करता हूं मैं बाई। अब इसको क्या करें, डेल्टा वाइज सेट कर लें। जैसे यहां पर मैं 17 डेल्टा, तो मैं कोशिश करता हूं 20 डेल्टा को, ठीक है, इधर मेरा 20 डेल्टा, तो इधर मेरा ए 20 डेल्टा, ये डेल्टा वाइज मैं यहां सेट कर लिया हूं प्रीमियम को, कि मैं यहां पर जो प्रीमियम है, जिन लोग डेल्टा वगैरह नहीं समझते आप एक बार मेरे ऑप्शन का जो वीडियो है उसे देख लीजिएगा, ऑप्शन सीरीज का एबीसीडी सीरीज है, मैंने कंप्लीट उसको उसमें एक्सप्लेन किया आप लोगों को, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, इधर डेल्टा वाइज मैंने 20-20 डेल्टा बाई कर लिया, और उसके ऊपर का 200-300 पॉइंट ऊपर का क्या करें, हम प्रीमियम को शॉर्ट करें, 300-400 पॉइंट जितना भी चाहें, लेकिन जितना बाइंग किए हैं इसका आप कम से कम 2 गुना 3 गुना शॉर्ट करिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे अब मैं यहां पर मान लो 72 का, ठीक है, 400 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट ऊपर, ठीक है, मैं इसे शॉर्ट कर दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, शॉर्ट कर दे रहा हूं, पहला तीन तीन करता हूं, ठीक है, इधर मैं चले जाता हूं यहां, ठीक है, ये मैं पहले तीन शॉर्ट कर दे रहा हूं इधर, ये देखो। तो इसमें क्या होगा, ये भी बहुत मजेदार होगा, लेकिन इधर क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी 80% है, इसीलिए मैंने थंबनेल में डाला है कि आप इसमें 70-80% की प्रोबेबिलिटी इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा रेंज भी मिलेगा मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होगा तब, ठीक है। अभी देखिए बहुत ही शानदार, जिन लोग मतलब शुरुआत में, जिन लोग मतलब रेशियो स्पीड स्टार्ट करेंगे उन लोग पहले इसमें करिए, तो आपको सेफ्टी मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, ठीक है, ज्यादा दूर तक आपको सेफ्टी मिलेगा अगर एक पोजिशन बनाते हैं तो। क्या करें, डीप ओटीएम माफ करो, ओटीएम बाई करो और डीप ओटीएम शॉर्ट करो, ठीक है। अब अगर आपने एक बाई किया है तो रेशियो में कम से कम 3। अब देखिए इसमें अगर मैं पहले तो प्रीमियम बढ़ा देता हूं इसका, कम से कम 25-25 तो प्रीमियम करना पड़ेगा आपने, तो ये देखिए, तो इसमें आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, 1700 प्रॉफिट मिल जाएगा, 3 लाख रुपए लगाया और मॉर्निंग में आपको 1700 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जहां पर आपका रिस्क कम है वहां प्रॉफिट कम है, जहां रिस्क ज्यादा है वहां प्रॉफिट ज्यादा है, तो आप दोनों में से कोई एक तय करो, ठीक है। शुरुआत में मैं यही करता था, ठीक है, शुरुआत में मैं इसी पोजिशन को बनाता था पहले प्रैक्टिस करने के लिए, फिर मैं धीरे धीरे 500 पॉइंट के आसपास आने लगा, ठीक है। मतलब अभी जैसे 30 डेल्टा मैंने, सॉरी 20 डेल्टा मैंने बाई किया, फिर मैंने 30 डेल्टा बाई किया, ओके, फिर 20 डेल्टा सेल किया, फिर मैं 40 डेल्टा बाई किया, फिर 30 डेल्टा सेल किया, फिर मैं अभी 50-50 बाई करता हूँ, और 40-40 आसपास या 38-39 आसपास डेल्टा को मैं शॉर्ट करता हूँ, ठीक है, या 35 डेल्टा को भी शॉर्ट कर देते हैं, चलता है, 30 डेल्टा भी शॉर्ट करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो आप यहां पर समझ रहे होंगे कि यहां पर कैसे प्रॉफिट बना। अब जैसे मान लो कि यहां पर जैसे मार्केट कल खुलता है 500 पॉइंट ऊपर, डायरेक्ट मैं खोल देता हूं 39,000, तो देखो 39,500 पॉइंट ऊपर खुलने पर, नेक्स्ट डे 500 पॉइंट ऊपर खुलने पर कितना पॉइंट मिला मुझे, यहां पर 600 पॉइंट मिला, तो मतलब सॉरी लॉस कितना हुआ, 600 पॉइंट लॉस हुआ, 600 रुपया का लॉस हुआ। इसी तरीके से अगर 500 पॉइंट नीचे खोल देता हूं मैं, डायरेक्ट 39 खोल देता हूं, तो लोअर साइड में इसमें पुट की तरफ ज्यादा सेफ्टी मिल रहा है, ओके। देखो यहां पर 600-700 पॉइंट भी ज्यादातर गैप डाउन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी होता है, तो यहां पर 800 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो भी लॉस नहीं है। ज्यादा चिंता किसका रहता है, ज्यादा मार्केट गैप अप नहीं होता है, ज्यादातर टाइम मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो भी यहां पर हमें एक अच्छा रिस्क मिल, मतलब सेफ्टी मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाता है। तो अगर लोअर साइड ऐसे पोजिशन बनाओ तो आपको ज्यादा अच्छा सेफ्टी मिलेगा और प्रॉफिट भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जब आप शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग तो आप इसमें पोजिशन बनाइए, ठीक है। अब यहां पर आप कैपिटल अगर आपके पास ज्यादा है, 5 लाख या 5.5 लाख है, तो आप 1:5 का भी पोजिशन बना सकते हैं, मतलब 5,73,000 लगेगा और आपको 4,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मुझे लगता है इनफ है। और देखिए ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये सुबह सुबह का है, मॉर्निंग में मतलब 9:15 में ही मार्केट, देखो एक बार इसको सेट करता हूं मैं, देखिए ये अभी थोड़ा कम हो गया है, अभी इसको मैं सेट करूंगा, इसका इस प्रीमियम को मैं सेट कर देता हूं, देखिए तो अभी कितना दिखा रहा है, 6,000। ये जैसे अभी मान लो मॉर्निंग में बढ़ता है 3-3-4, डीप आउट द मनी में थोड़ा कम आई भी बढ़ेगा, देखो
क्या होगा इधर, एक थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इधर ऐसा, तो क्या होगा, थोड़ा और बढ़ जा और बढ़ जा, हाँ 24 24, थोड़ा यहाँ भी बढ़ा देता हूँ मैं, डीप आउट द मनी में थोड़ा कम बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल फ्लैट खुलता है तो 5,000 यहां मिल जाएगा अपने को। इसके बाद क्या होगा, 10 15 मिनट में आईवी सेटल होने लगता है, फिर से डाउन होने लगता है, तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाता है। जिन लोग ट्रेड किए होंगे, ऑप्शन में ट्रेड किए होंगे, उनको आइडिया हो रहा होगा। ओके, तो दोस्तों ये हुआ रेशियो स्प्रिट का आप लोगों के लिए दो लॉजिक। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले प्रैक्टिस करिएगा, कृपया करके ऐसा मत करना भाई कि सर ने बताया है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, मार्केट खुला नहीं कि कल आप तैयार बैठे हो तलवार लेके, बस तू ऑप्शन खुल जा इसके बाद तो मैं बड़ा खिलाड़ी बन गया। कृपया करके ऐसा मत करना। शुरुआत में आपके पास कैपिटल जितना भी हो, मैं चाहूंगा पहले एक एक पेयर में, ये जो बास्केट है, एक एक बास्केट में आप इसे एनालिसिस की सॉरी स्ट्रेटजी को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जब इसमें प्रॉफिट आने लगेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आप लोग अगर पहली बार ट्रेड करेंगे इसे, राइट, पहली बार ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक तो डर रहेगा कि यार क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। रात भर रात के 1 बजे तक आप एसजीएक्स निफ्टी देखोगे, ठीक है, सुबह सुबह 6:30 बजे से आप एशिया मार्केट देखना शुरू कर दोगे, तो शुरुआत में भारी डर लगेगा आपको। ओके, लेकिन जैसे 3 4 प्रॉफिट आ जाएगा, आपका डर धीरे धीरे खत्म होगा। सपोज करो जैसे आपको तैरने नहीं आता है, ओके, और कोई स्विमिंग पूल में आपको धक्का मार दिया, तो क्या होगा, शुरुआत में तो बड़ा डर लगेगा, ऐसा लगेगा तो गया मैं तो गया, खत्म ही हो गया। फिर क्या होगा, अगर बाहर निकल गया आप किसी तरीके से, फिर अगर कोई दोबारा धक्का मारेगा तो आपको डर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ठीक है। फिर तीसरे बार में और डर लगेगा, नहीं लगेगा। फिर चौथे पांचवे बार में तो आप उसका यूज टू हो जाओगे ना, फिर तो ऐसा बोलोगे चल यार धक्का मार तेरे को पैसा देता हूं मैं, ठीक है, ऐसा होता है। बट शुरुआत में कृपया करके आप बड़ा क्वांटिटी मत बनाइएगा, आप लोगों के पास पैसा होगा तो भी बड़ा क्वांटिटी मत बनाइएगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। इसके बाद आपका आपके आंखों को देखने की आदत पड़ जाएगी ना, प्रॉफिट लॉस 3,000 4,000 प्रॉफिट या 3,000 4,000 लॉस, तो धीरे धीरे 3 4 बार ऐसा हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रेटेजी के ऊपर बढ़ने लगेगा, आपका बिलीफ बढ़ने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। मैं अभी से 1:5 तक करता हूं। मैं जैसे अगर अभी जैसे मैं बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं, जनरली मैं एटीएम का करता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब अपना पोजिशन बनाता हूं तो देखिए मेरा 2 डीमैट है, एक डीमैट लड़कों के साथ ट्रेड करता हूं मैं, उस पर एक एक पेयर ही बनाता हूं ताकि सबको लगे कि सर भी मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे डीमैट में मैं थोड़ा क्वांटिटी बड़ा करता हूँ, सिंगल भी बनाता हूँ। आने वाले दिनों में इसका अगला स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोग अगर सीखना चाहोगे तो। अगर इस वीडियो को व्यूज मिलता है 5,000 के ऊपर, 5,000 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 10,000 के ऊपर, तब फिर मैं आपको दूसरा स्ट्रेटजी बताऊंगा स्ट्रेंगल का। लाइव मार्केट में भी कैसे बनाओगे, ओवरनाइट भी कैसे बनाओगे, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छा भी समझ में आएगा। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर 5 5 लॉट बनाता हूं, मतलब 5 लॉट में बाई किया एटीएम, 5 लॉट में बाई किया, और ऊपर नीचे मैं थोड़ा सा अपना रेंज को बढ़ा देता हूं, 500 600 पॉइंट कर देता हूं, यहां पर 5 5 की जगह 25 कर देता हूं, ठीक है, 25 30 भी कर देते हैं, हमारा रेंज मिलता है तो 27 भी कर देते हैं, अपने रेंज के हिसाब से, हमारा रेंज कहां पर है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर रेंज बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग में फटाफट प्रॉफिट मिल जाता है। आप लोग देखते होंगे जब मैं इसका स्क्रीन भेजता हूं तो ये देखिए ये मॉर्निंग में कितना प्रॉफिट का साइज दिख रहा है, 96,000, लेकिन 96 नहीं होगा ना, देखो यहाँ पर कैपिटल कम से कम यहाँ पर 25 25 करो, मैं थोड़ा यहाँ पर मार्जिन सॉरी ये मैं ज्यादा रखता हूँ, तो यहाँ पर 33,000 कैपिटल भी कितना लगा है, 39 लाख। ओके, तो ये 40 लाख के आसपास का मैं पोजिशन बनाता हूँ, तो कभी कभी 60 मिल जाता है, कभी 70 मिल जाता है। देखिए जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो इस पोजिशन को धीरे धीरे आप इंक्रीज करके पूरा दिन भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में मत करना, ठीक है, क्योंकि दिन में स्वाभाविक है, मॉर्निंग में आईवी बढ़ा हुआ है, मॉर्निंग में आईवी बढ़ा हुआ है, शाम को आईवी गिर जाएगा, ये पता है अपने को। और जब हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं, प्रैक्टिस किए हैं इतने दिनों तक, 8 10 साल 12 साल 15 साल, ओके, तो चार्ट समझ में आता है कि हाँ चार्ट ऐसा रहेगा, इसी तरीके का चार्ट रहेगा, ना ज्यादा ऊपर जाएगा ना ज्यादा नीचे जाएगा। मान लो गैप अप ओपन हो गया, जैसे आज भी गैप डाउन ओपन हो गया, तो कुछ लोग हमारे लड़के लोग कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग होल्ड किए, ठीक है, और मार्केट ऊपर चला गया तो उन लोग प्रॉफिट बुक कर लिए, तो ऐसा होता है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो लॉस वाला दिन भी आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे अपने पोजिशन को। ओके,
तो आप धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाइएगा, फर्स्ट में कैपिटल ज्यादा मत बढ़ाइएगा। आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, अगर यहां पर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों का 2-4 मिनट में आंसर ले लेता हूं, ज्यादा देर में नहीं रह पाऊंगा अभी लाइव में। आप लोगों के लिए अगर सीखना चाहते हो तो व्यूज बढ़ाइए, लाइक कीजिएगा, कम से कम 1000 से ज्यादा लाइक आना चाहिए, तब मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए, ओवरऑल मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं, कभी मल्टी स्ट्राइक बना दिया, कभी मैं रेशियो बना दिया, कभी स्ट्रेंगल बना दिया, कभी स्टडल बना दिया, मैं यही करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। ओके, तो ऑप्शन में ना बहुत सारे वेरिएशन है, और आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आंखें जमाओ, मत देखो इधर उधर। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है और इजी पैसा कमाना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में एक बार आंखें आपकी जम गई तो आप जानते हो कि दुनिया जब तक है तब तक हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी हमारे सामने रहेगा और हम लोग इसमें ट्रेड करते रहेंगे। तो ज्यादा अच्छा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ए रेशियो सेम तरीके से निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैंक निफ्टी में यूज करता हूं इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में बताया। आप निफ्टी में यूज करिए, प्रॉपर यूज करिए, सभी में प्रॉफिट मिलेगा। ओके सर, सेकेंड वाला स्ट्रेटेजी में कितना लॉट से स्टार्ट करना है? टेक्नो पिलर सर, आपको 1:1:3 में प्रैक्टिस करना है, चाहे फर्स्ट वाला हो या सेकेंड वाला हो, 1:3 के लॉट में ही प्रैक्टिस करना है शुरुआत में, मतलब 3 लाख रुपया कैपिटल लगेगा। ओके, एटीएम और ओटीएम समझ नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन। सर आप ऑप्शन को थोड़ा सा समझ लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? एटीएम ओटीएम का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं हमारा जब बैटरी तरफ नहीं जाऊंगा सर, निफ्टी में ट्राई करो, बिल्कुल निफ्टी में ट्राई करिए सर, सभी पैसा बनेगा। स्टडी हर रोज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये स्ट्रेटजी को विजय पाटिल जी, रोज ही करने का है, एवरीडे करने का, एवरीडे कर सकते हैं सर। ओके, कपिल जी कहाँ है? कपिल जी को याद करें, कपिल जी लाइव में आएंगे सर मंडे संडे को, आज कॉन्फिडेंस आया है। ओके थैंक यू डियर, थैंक यू। कैन यू यूज प्लेज मारी? यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका भी सवाल है। सुहास जी डी सर, आप ऑप्शन सेलिंग, जो हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं, आप देखिए मैं पूरा ऑप्शन सेल करता हूं, किसमें? प्लेज मार्जिन से मैं ऑप्शन सेल करता हूं, मैं रियल मार्जिन लगाता ही नहीं। ओके, बाई करने के लिए हमें रियल मार्जिन लगता है, ठीक है, मतलब फ्री कैश लगता है, बाई करने का फ्री कैश होना चाहिए। अगर आपके पास 3 लाख प्लेज मार्जिन भी ना, तब भी आप इस स्ट्रेटजी को पूरा यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला आपने, थैंक यू इसके लिए, तो सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सर मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है? नितिन शर्मा जी, देखिए मैक्स लॉस जब बड़ा गैप डाउन हो जाएगा ना, जैसे सपोज करो, मैं यहां पर बताई देता हूं आपको, सपोज करो फ्रेंड्स कि हम लोगों ने इसे बाई कर लिया है, राइट, इसे बाई कर लिया है, तो एज्यूम करते हैं कि यहां पर हम लोग मान लीजिए कि 600 पॉइंट या 700 पॉइंट हम लोगों ने इधर 3 लॉट बाई किया, शॉर्ट किया है, और इसी तरीके से इधर भी हम लोगों ने इधर हम लोगों ने शॉर्ट किया है, ठीक है, ये 3 लॉट शॉर्ट किया है, ये हमने ज़ूम किया है कि भाई मॉर्निंग में मार्केट खुलता है सही जगह में तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट यहां से गैप अप तो 1000 नहीं होगा, तो मैं पहले गैप डाउन ही बता देता हूं। मान लो 750 पॉइंट खुलता है तो कितना लॉस होगा बताओ? देखो 750 में खुलेगा 3 लॉट में, तो आपका लॉस कितना होगा? 2000। अब मान लो 1500 पॉइंट नीचे खुल जाता है, बहुत ही बैड लक हुआ तो 20000 जाएगा, फिर इस दिन तो पूरा दुनिया लॉस करेगा ना सर, तो हम भी लॉस करेंगे, मान लेंगे कि इस वीक में हमारा प्रॉफिट नहीं मिला या 15। देखो ये भी ध्यान रखिए कि ऑप्शन सेलिंग एक रिस्की ट्रेडिंग है, ज्यादातर लोग ऑप्शन सेल क्यों नहीं करते हैं, स्पेशली न्यू लोग इसे देखते हैं, अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड लॉस है, ऑप्शन सेलिंग मत करो मत करो, अनलिमिटेड लॉस है। अरे गधे, क्या मार्केट एवरीडे 1500 पॉइंट नीचे खुलेगा? किस किस दिन देखा 1500 पॉइंट नीचे खुले? आप मुझे बताओ यहां पर कमेंट करके, जितने लोग अभी 345 लोग लाइव हो, 1500 पॉइंट नीचे इससे पहले कब गैप डाउन हुआ होगा बताओ मुझे, याद है किसी को? किसी को याद है 1500 पॉइंट गैप डाउन का हुआ था मार्केट? कोई भी एनीबॉडी कमेंट करके बताओ मेरे को, 1500 पॉइंट गैप डाउन कब हुआ था? कोई भी कमेंट करके बताइए फट से, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, कब गैप डाउन हुआ था 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी? किसी का कमेंट नहीं आया अभी तक। फर्स्ट कोविड सर, फर्स्ट कोविड, अब उस समय नीचे जा रहा तो कोई ऑप्शन सेल करेगा मेरे जैसा होशियार आदमी?
इसीलिए समझ नहीं आता है तो लाइव ज्वाइन कर लो आप हमारा, ठीक है, या बैच ज्वाइन कर लो हमारा, मार्च बैच स्टार्ट है। अगर आपको समझ में आता है, सरल चीजें समझ में आती है, तो पैसा देके ज्वाइन हो जाओ। कोरोना के टाइम सर, कोरोना के टाइम तो हम लोग ऊपर में कॉल सेल कर रहे थे, तो इसके बाद भी तो स्ट्रेटजी है ना सर, इसके बाद वाली भी तो स्ट्रेटजी है, तो हम वो स्ट्रेटजी बता देंगे आपको। तो जैसा जिधर जिधर दम उधर हम, काम खत्म भैया। हमारा लॉजिक है कि जिधर दम उधर हम, ओके। तो अगर मार्केट 1500 पॉइंट गैप डाउन 2 साल पहले ही हुआ था, तो क्या 2 साल तक हम पैसा नहीं कमा लेंगे? उस दिन 20,000 चले जाए, न्योछावर कर दो। तो अगर आप ये जो अनलिमिटेड लॉस का ये जो डर जिस दिन खत्म हो गया ना, बता रहा हूं इंडिया में हर कोई ट्रेडर पैसा कमाएगा, ये तो अनलिमिटेड लॉस वाला है ना। ऐसा नहीं कि आप ही को लग रहा है, मुझे भी लगता था पहले, ये जो अनलिमिटेड मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाता था, दिखता था अनलिमिटेड लॉस, स्टटर बना दिया, दिखा अनलिमिटेड लॉस, डर लगता था, बनाने का मन ही नहीं करता था। अरे यार अनलिमिटेड लॉस हो गया तो कैसे करूंगा। ये देखो, ये भाई साहब ने, जी पंकज जी ने लिखा है, बैंक निफ्टी एवरेज 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होता है। वेरी गुड सर, आप बनाओगे 100% आप बहुत आगे जाओगे सर, ठीक है। ईश्वरी ओराव उन्होंने बोला है सर 500 तक होता है, नॉर्मली 500-600 पॉइंट होता है, तो वहां पर हम ले लेंगे सर 500-600, मतलब 5,000-6,000 लॉस, वो तो होना है सर, वो हमारे साथ चलेगा। बताओ देखिए, ऑप्शन मतलब ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग का लॉजिक क्या है, ध्यान रखिए, जिस दिन सारी दुनिया लॉस करे ना, उस दिन आपका भी लॉस होना चाहिए, खत्म बात, हमारा भी लॉस होना चाहिए जिस दिन सारी दुनिया का लॉस हो। लेकिन जिस दिन अच्छे ट्रेडर पैसा कमा रहे ना, उस दिन आपका पैसा बनना चाहिए, बस उस दिन आपका पैसा बनना चाहिए। जिस दिन अच्छा मार्केट है, अगर उस दिन आपका पैसा नहीं बना, जिस दिन बढ़िया मार्केट है उस दिन आपका पैसा नहीं बना, तो आग लगा दो जिंदगी को, ट्रेडिंग का मत करो, फिर तो करो ही मत, फिर बेकार है, माँ बाप का पैसा कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट कर दो सर। ठीक है, 2% गैप डाउन प्रोबेबिलिटी इज 96 बैक टेस्टेड फॉर 2 डेज, 96% बैक टेस्टेड फॉर 2 डेज। मैं समझा नहीं अतुल करा दी, 2% गैप डाउन, तो सर मान लो 600 रुपया बैंक निफ्टी 600 पॉइंट, तो अभी 600 पॉइंट देखो गैप डाउन करा, गैप डाउन करा देता हूँ यहाँ पर मैं, ये 600-700 पॉइंट, तब भी तो आप प्रॉफिट में हो, दो दोरी फिर बनाओ, चिंता किस बात की है सर, ओके। तो डर खत्म करिए, सबसे पहले डर खत्म, जिस दिन आपका डर खत्म उस दिन से प्रॉफिट शुरू, डर के आगे जीत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक, ओके, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइव अच्छा लगा होगा, स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, शुरुआत में एक एक पेयर में आप स्ट्रेटजी बनाइए, एक एक पेयर में आप लोग पहले प्रैक्टिस करिए। जिस दिन आपकी आंखें प्रॉफिट लॉस को देखने की आदत आपकी आंखों को पड़ जाए, फिर आप क्वांटिटी जितनी मर्जी उतना बढ़ाइए, क्योंकि अल्टीमेट क्वांटिटी बढ़ाएंगे तभी पैसा आपको ज्यादा दिखाई देगा, ओके। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, नमस्कार, और हमारे चैनल के साथ ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। 235 लोग ज्वाइन है, कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है, जितना इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ और जितना इजी तरीके से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लाइव मार्केट में। अगर आप लोग ज्वाइन होंगे लाइव में मेरे साथ तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं लड़कों को लाइव में, लाइव में प्रैक्टिकल करके बताते हैं, अपना स्क्रीन लोगों को शेयर करते हैं, ये देखो ऐसे रेशियो बन रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप मेरे टर्मिनल में ट्रेड करो। तो ये हम कोशिश कर रहे हो, इंडिया में एकमात्र ऐसा मैं करने वाला हूँ, पूछ लीजिए कहीं दुनिया में जो कोई ऐसा ट्रेनर आपको मिलता होगा, मेंटर मिलता होगा, कि जो अपने टर्मिनल में भी अपनी स्टूडेंट को ट्रेड करा सकता है, वो मैं कराता हूँ। तो अगर इस तरीके से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक के थ्रू, और हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें 10 दिन का ऑप्शन सेलिंग फ्री आपका ट्रेनिंग है और 1 महीना का लाइव फ्री लाइव ट्रेडिंग है, ओके। उसमें आप हमारे टर्मिनल में भी ट्रेड कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए, ओके। या फिर आप पैड ज्वाइन कर लीजिए, मार्च का रजिस्ट्रेशन हमारा ओपन हो गया है, जिन लोगों को ज्वाइन होना है 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, ओके। थैंक यू, नमस्कार और जय हिंद।